अस्सलाम वालेकुम भाई। इस तरह है कि ये बैलेट पेपर है MNA का, साहबजादा फैजल हसन, अंबर मजीद, फहीम उल हसन, महबूबुल हसन, इस तरह ये सारे नाम लिखे हुए हैं। ये सरदार बहादुर खान है। तो आपने से इसमें से जिस कैंडिडेट को भी वोट देना है, मिसाल के तौर पे हम अंबर मजीद को वोट दे रहे हैं, तो अंबर मजीद की इस तरह यहाँ पे हम लोग स्टैंप लगाएंगे, यहाँ पे स्टैंप लगाएंगे इस जगह पर। यहाँ पे वोट कास्ट करने के बाद या तो ये है कि हम इसको अच्छी तरह सुखा लें, ड्राई कर लें। अगर ऐसा हमने नहीं करना तो जल्दी है हमें, तो फिर हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह करके बंद करना है, और इसके बाद इस तरह बंद करना है, इस तरह करके आप ऐसे वोट डालेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको। यहाँ पे मोर लग गई, मोर लगने के बाद इसको खुश करके इस तरह बंद करना है पहली दफा, फिर इसको ऐसे करना है और फिर इस तरह बंद कर देना है। इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको मोर लगाने के बाद इस तरह बंद करेंगे तो ये जो पेपर है ये इस वाली मोर इस पे आ जाएगी, इल्ताफ हुसैन पे, और ये वोट ज़ाया तसव्वुर किया जाएगा। साहबजादा फैजल हसन पे होगी तो वो मोर पे आ जाएगी, सरदार बहादुर खान की होगी तो वो शाहिद इकबाल पे आ जाएगी, और ऐसे करने से वोट ज़ाया हो जाएगा, दोनों साइडों पे स्याही लग जाएगी और वोट ज़ाया तसव्वुर किया जाएगा। अगर ऐसे बंद करेंगे तो ये साहबजादा फैजल हसन की ये जो स्याही है ये वसीम उल हसन पे, इसी तरह अंबर मजीद की शाहिद इकबाल पे, फहीम उल हसन की दरियाब कवि पे, और इस तरह ये वोट भी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको इस तरह बंद करें पहली दफ़ा, और उसके बाद इस तरह कर लें, और फिर इस तरह बंद करने के बाद ये बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। बहुत शुक्रिया। पूरा मेहमान आ जाइए।